सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध कब्जा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तहसील चंदौसी जनपद संबल क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की गई है, लेकिन बताया जाता है कि अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। बैजोई से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। जाता हूँ तो धमकी देते हैं, मेरी माँ को धमकी देते थे, वो तो खत्म हो गई। मैं कहीं भी जाता हूँ कोई करके नहीं देता, नाम तो चढ़ गया पर कब्जा नहीं। कितने समय से? कम से कम 20-30 साल हो गए। किसने कैसा किया? राजेंद्र है, नरेश है। कहाँ का निवासी है? दबंग आदमी है, पैसे वाला है, बदमाशी है। लिखित में कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी को? सुनता तो है नहीं, कुछ ऐसी है, जाओ ये करो वो करो, कोई कहीं जाओ कोई कुछ नहीं, सब बात बता दे। काम चला रहा बहुत दिन से, कोई पटवारी वटवारी कोई काली को कोई बात बता दो बता दी। वो कहाँ का निवासी बताया? मचकेड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? रामवीश। जमीन किसकी थी? जमीन मेरी माँ के नाम बसियत थी, वो ही मेरे नाम रामवीर के रामवीर को।